बारिश का मौसम है तो गाहे बगाहे सांपों से आमना सामना होना आम बात है, लेकिन उत्तर प्रदेश से सामने आए इस वीडियो को देखिए। अक्सर आपने बुलडोजर को किसी मकान को ध्वस्त करते हुए देखा होगा, लेकिन बस्ती के एक गांव में इतने सांप निकल आए कि बुलडोजर बुलाना पड़ गया। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के गांव में गजब हो गया। यहां एक बंद मकान में एक दो नहीं बल्कि इतने अजगरों का झुंड निकल आया कि अजगरों को निकलता देख पूरे गांव में दहशत फैल गई। जानकारी पाकर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। सांपों की इतनी ज्यादा संख्या देखकर वन विभाग के भी पसीने छूट गए, जिसके बाद सांपों को निकालने के लिए जेसीबी तक को बुलाना पड़ गया, जिसके बाद टीम ने सभी अजगरों का रेस्क्यू कर उन्हें जंगल में छोड़ दिया। दरअसल बस्ती जिले के बनकटी ब्लॉक के ठाकुरा पार गांव में एक मकान करीब 20 साल से बंद था, लेकिन आए दिन मकान से सांप निकलते रहते थे, जिसके बाद घर खुलवाकर जब देखा गया तो सभी के होश उड़ गए। मकान को खुलवाकर जब देखा गया तो वहां और अजगरों का पूरा झुंड मौजूद था, जिसमें बच्चों की तादाद सबसे ज्यादा थी। इसके बाद वन विभाग की टीम को बुलाया गया, जिसने जेसीबी से खुदाई की तो अजगर के बच्चों का पूरा झुंड निकल पड़ा, जिसके बाद उन्हें एक एक कर बोरे में कैद किया गया। सामने आए इस वीडियो को देखिए, जिसमें एक शख्स एक एक कर बोरे में अजगर सांपों को भर रहा है। इसके बाद सभी सांपों को जंगल में छोड़ दिया गया। सांप तो जंगल में छोड़ दिए गए, लेकिन ग्रामीण अभी भी डर के साए में हैं। उनको आसपास कहीं अजगर होने की आशंका सताने लगी है। ग्रामीणों का कहना है कि जिस मकान में अजगर के बच्चे निकले हैं उसमें किसी का आना जाना नहीं था। घर के बाहर अजगर के बच्चों को रेंगता देख लोगों को शक हुआ तो फौरन इसकी जानकारी मकान मालिक को दी गई। मकान का दरवाजा जब खोला गया तो ग्रामीण हैरान रह गए। मकान में एक साथ 26 अजगर के बच्चों को देखकर मकान मालिक समेत सभी हैरान थे। इसकी जानकारी तुरंत वन विभाग की टीम को दी गई थी। मौके पर पहुंची टीम ने सभी अजगर के बच्चों को पकड़कर एक बोरे में कैद कर लिया, जिसके बाद वो उन्हें जंगल में छोड़ने के लिए अपने साथ ले गए। इस दौरान गांव वाले सकते में हैं, उन्हें आशंका है कि कहीं आसपास विशालकाय अजगर ना हो। हालांकि वन विभाग की टीम ने लोगों को आश्वस्त किया है कि कोई विशालकाय अजगर नहीं है। पूरा मामला इलाके में चर्चा का विषय बना है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।